नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं आपका अपना म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर और म्यूजिक टीचर आर के बस्सी आप सबके लिए लेके आए हैं हारमोनियम सीखने की आसान सी विधि। और इसमें हम 10 पार्ट में ये पूरा कवर करेंगे और आज इसका हम पहला पार्ट लेके आ रहे हैं। ये उनके लिए है जिनको अभी तक हारमोनियम में ABC भी नहीं आता और लेकिन वो सीखना चाहते हैं और इसमें कुछ आगे करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यदि आप ये पूरे 10 भाग अच्छी तरह से देखेंगे और उसमें बताए हुए विधि के सार कुछ आगे करते रहेंगे तो आप इसमें सीख ही नहीं पाएंगे, इसमें बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक है, तो आज हम इसका पहला भाग लेके आ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हारमोनियम के नाम पे। ठीक है, तो दोस्तों जब हमने इसको सीखना तो हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या, राइट, और इसको कितनी कीज हैं और इसका क्या क्या, इसका रोल क्या है दोस्तों। तो हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं दोस्तों, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हारमोनियम है वे 3 सप्तक, हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, हर सप्तक में 12 सुर होते हैं दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और देन ब्लैक से फिर स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर ब्लैक से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और ये सुर एक्स्ट्रा है। हारमोनियम में 3 सप्तक हैं और हर सप्तक में 12 सुर होते हैं। हर सप्तक में 7 स्वर शुद्ध होते हैं, सा रे गा मा पा दा नी, फिर सा रे गा मा पा दा नी, फिर सा रे गा मा पा दा नी। दोस्तों हर सप्तक में 4 सुर कोमल होते हैं, रेगा दानी रेगा दानी रेगा दानी। तो जो कोमल सुर होते हैं वो वाइट कीज में होते हैं, राइट, और कोमल सुर की पहचान ये है कि उनके नीचे अंडरलाइन होता है। ठीक है, और थर्ड, वो शुद्ध सुर से पहले आते हैं, जैसे सा रे शुद्ध है, रे से पहले रे कोमल आ जाएगा, गा शुद्ध है, गा से पहले गा कोमल आ जाएगा, धा शुद्ध है, धा शुद्ध से पहले धा कोमल आ जाएगा, नी शुद्ध है, नी शुद्ध से पहले नी कोमल आ जाएगा। और दोस्तों हर सप्तक में एक सुर तीव्र होता है, मा तीव्र, मा शुद्ध और मा तीव्र। जो तीव्र सुर होता है वो शुद्ध सुर से बाद में होता है, मा शुद्ध पहले आएगा उसके बाद मा तीव्र आएगा, ये वाइट कीज में आएगा, राइट। तो दोस्तों हारमोनियम में हमने सीखा 3 सप्तक होते हैं, 1, 2, 3, और हर सप्तक में 12 सुर होते हैं, और हर सप्तक में 7 सुर शुद्ध होते हैं, 4 सुर कोमल होते हैं और 1 सुर तीव्र होता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इनका रोल क्या है तीनों का। ठीक है, तो पहले सप्तक को हम मंदर सप्तक कहते हैं, मंदर सप्तक कहते हैं, जो धीमे सुर वाले सॉन्ग हैं जैसे गजल्स में है ना, उनकी शुरुआत इनसे होती है, राइट। और सेकंड सप्तक को हम मध्य सप्तक कहते हैं, जितने भी हमारे फिल्म सॉन्ग हैं, हिंदी फिल्म सॉन्ग हैं, जितने भी लाइट सॉन्ग हैं, ठीक है, और ऑलमोस्ट यहाँ से सार को रख के यहाँ तक, इसी के बीच में ज़्यादा हम गाते हैं, तो इसको मध्य सप्तक कहते हैं। और तीसरा सप्तक है तार सप्तक, ये जितने भी हमारे लोकगीत हैं या जितने भी ऊंचे सुर वाले गीत हैं, ठीक है, हाई नोट्स हाई पिच वाले गीत हैं, वो सब तार सप्तक में गाए जाते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों आज का हमारा पहला एपिसोड था, आज का हमारा पहला लेसन था कि हारमोनियम में, हारमोनियम के बारे में हम जानें और ये पता करें कि ये कीज और इनका रोल क्या है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट हम बाद में कुछ इससे आगे लेके आएंगे कि हम इसमें सरगम्स कैसे गाएं और इसमें कैसे बजाएं। ठीक है, तो आज के लिए सर इतना ही। कीप वॉचिंग बशीर कोर्स। थैंक यू दोस्तों।